पाव सिर में रखे तीन बार परिक्रमा करना पड़ता है। तो हम लोग देखिए बस स्टैंड का ठीक फ्रंट साइड में एक मंदिर है, वो मंदिर के सामने से ही हम लोगों का पैदल यात्रा शुरू होगा और यहाँ पे दर्शन करके हम लोग इसके अंदर से ही पैदल यात्रा का सीढ़ी है और हम लोग यहाँ आए हैं। तो ऊपर जाना है मगर पैदल जाने से भी हम लोग चप्पल नहीं लगा सकेंगे, चप्पल उतार के जाना होगा इधर से ही। पर अभी हम लोग 9-10 किलोमीटर पैदल जाएंगे ऊपर और सामने जो दिख रहा है ना पहाड़ी उधर जाएंगे। तो चप्पल सब लोग हम लोग उतर चुके हैं और अभी जाने के लिए निकल रहे हैं। भगवान का पाव सिर में रखे तीन बार परिक्रमा करना पड़ता है। तो हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं, यहाँ से शुरू होता है हम लोगों का पैदल यात्रा। कुछ इस तरह का है, पूरा सिर पे चंदन का लेपन किया गया हुआ है और यहाँ का नज़ारा कुछ अलग है क्योंकि यहीं पे ऐसा देखने को मिल रहा है। अभी अरे हम लोग 400 सीढ़ी तक पहुँच चुके हैं और ये वीडियो देखने के बाद आप लोग इजी से तिरुपति का दर्शन करने के लिए आ सकेंगे क्योंकि पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये वीडियो के जरिए दे रहा हूँ। हम लोग 600 सीढ़ी चढ़ चुके हैं, अब 2950 सीढ़ी बाकी है। तो वो सीढ़ी चढ़ के ही रहेंगे क्योंकि एक बार ठान लिया है तो चढ़ के ही रहेंगे। तो हम लोग तीनों आदमी है और बहुत आदमी है, बाहर का आदमी बहुत है सारा है, इधर सब मंदिर दर्शन करने के लिए निकले। देखिए कैसा पसीना निकल गया है, पर भगवान का यात्रा सरल नहीं होता है गाइस। वो आगे आगे लिखा हुआ है, देखिए 800 सीढ़ी अभी आ चुके हैं हम लोग और 2750 सीढ़ी बाकी है। ये हम लोगों का विकास पूरा थक चुका है और उसके लिए थोड़ा हम लोग रेस्ट कर रहे हैं। पहाड़ी के बीच बीच ऐसा भगवान को भी रखा हुआ है और थोड़ा आगे ऐसे ही रखा हुआ है और अभी जो सीढ़ी है बहुत हाई में है। पहले तो थोड़ा लेवल था सीढ़ी, अभी ज़्यादा हाई है। 2000 सीढ़ी चढ़ चुके हैं और बहुत थक चुके हैं मगर हमको थकान नहीं चाहिए, हमको आगे बढ़ना है और भगवान से मिलना है। इसी वजह से हम चल रहे हैं। जय जय सेन। हम लोग अभी 2000 सीढ़ी चढ़ चुके हैं और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा ऐसा है, थोड़ा रेस्ट करने के लिए शायद होगा, थोड़ा प्लेन है और बहुत आदमी इधर रेस्ट करके भी बैठा है और एक रूम है, इसके अंदर क्या है देखते हैं। उधर आगे रूम भी है, क्या है देखते हैं जानकारी के लिए दूसरे आप लोग को एक जगह जानकारी देना चाहते हैं। और हम लोग टोटल पैदल ही आ रहे हैं और सामने लगेज होगा शायद, सामने लगेज होगा शायद, टिकट चेंज करना पड़ता है कि नंबर हो और कब दिन जाएंगे देखेंगे इधर थोड़ा क्या है। तो ये टिकट काउंटर है सामने, यहाँ पे हम लोग टिकट को स्कैन कराना चाहिए, स्कैन करा के आगे स्टम्प लगाने से उसके बाद आप लोगों को उधर आगे लड्डू फ्री मिलेगा और टिकट स्कैन नहीं कराएंगे तो लड्डू फ्री। सामने स्कैन हो रहा है, देखिए तो स्कैन कराने के बाद ही स्टम्प लगाता है और स्टम्प लगाने के बाद ही हम लोग को उधर मंदिर पे लड्डू मिलेगा और लड्डू फ्री लड्डू मिलेगा। तो आगे की ओर जाएंगे और आप लोगों को यहाँ का एक एक जानकारी देंगे कि कैसे कैसे आना है, बस स्टैंड से कैसे आना है, क्या आना है, सब आपको तो बता ही चुके हैं। तो और आगे की ओर आपको बताएंगे। तो किसी किसी को कुछ खाना है तो यहाँ पे खा सकते हैं, यहाँ होटल भी है सामने, होटल है और नारियल का पानी है, नारियल का पानी भी खा सकता है। ठीक है, चारों तरह का सुविधा किया हुआ है इधर मगर अभी हम लोग कुछ भी नहीं खाएंगे, हम लोग ने प्रण लिया है कि कुछ भी नहीं खाएंगे और बैठेंगे भी नहीं
तो नहीं बैठ के नहीं पिए के हम लोग सीधा पैदल ही जाएंगे। वो सोच के वही प्रॉन लेके हम लोग आगे की ओर जा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरह का है आगे का दुकान सब। इधर 2000 सीढ़ी चढ़ने के बाद यहाँ पे आप लोग कुछ खा भी सकेंगे और रेस्ट भी कर सकेंगे। इधर बैठने के लिए बहुत जगह भी है रेस्ट करने के लिए, और बहुत आदमी इधर रेस्ट भी कर रहा है और कोई कोई आदमी खा भी रहा है। ठीक है, अभी 2400 सीढ़ी आ चुके हैं और 1150 सीढ़ी बाकी है। ठीक है, मेरा पीछे और दोनों मेरा दोस्त भी आ रहा है और मैं भी जा रहा हूँ। और ये वीडियो आप लोगों के लिए खास ज़रूरी है क्योंकि तिरुपति जो आएंगे उसका आप लोग फुल जानकारी आप लोगों को मिल जाएगा और आने में आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा, उसी वजह से मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, वो तो बस से जाने वाला रोड है, वो सामने दिख रहा है। देखिए देखिए सामने मंदिर भी है, कुछ कुछ मंदिर भी है और इधर बैठने के लिए थोड़ा जगह भी रखा हुआ है। तो कोई पैदल आके थक चुका है तो यहाँ बैठ सकता है, मगर हम लोग बैठने में से नहीं है, हम आज पैदल जाएंगे। और वीडियो देख के आप लोगों को कैसा लगा, ये वीडियो शायद आप लोग अच्छा लगे तो एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में गोविंदा बोल के एक प्यार सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और आप लोगों के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया कि बहुत सा आदमी तिरुपति आ नहीं सकते हैं तो आप लोगों को इधर से तिरुपति के दर्शन मिल रहे हैं, और कैसे क्या आना है वो सब आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस चीज़ में से नहा धोने के लिए पानी का भी बाथरूम का भी सुविधा कर दिया है यहाँ पे। तो आप लोग पैदल आएंगे तो इधर बाथरूम शॉपिंग करने के लिए या नहाई धोने करने के लिए जगह है, आप आराम से नहाई धोई कर सकते हैं। आते आते बीच में लक्ष्मी नारायण नरसिंह मंदिर भी मिल गया हम लोगों को, और थोड़ा उसका भी दर्शन दे दूँ बोल के आप लोगों को इसका व्यू दिखा रहे हैं। तो लक्ष्मी नारायण नरसिम्हा टेम्पल है स्वामी, और यहाँ का भी आपको एक झलक दिखा रहे हैं। तो देखिए गाइस, ये यहाँ से हम लोग का अभी सीढ़ी ख़त्म होता है, हम लोग कंप्लीट 3550 सीढ़ी आ चुके हैं और यहाँ से हम लोग का सीढ़ी ख़त्म हो चुका है, बस इतना ही लास्ट सीढ़ी है। और अभी तो हम मंदिर के ओर जाएंगे, और देखिए इधर और सीढ़ी नहीं है, ख़त्म हो गया सीढ़ी और लास्ट गेट है, यही है लास्ट गेट, आप लोग देख सकते हैं। करीब हम लोग 7 बजे से सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दिए थे, तो अभी 10:30 बज चुका है, तो 3.5 घंटा हो गया है हम लोग नॉन स्टॉप पैदल आ रहे हैं। और अभी तक मालूम ही नहीं कब पहुंचेंगे, उधर पूरा सीढ़ी ख़त्म हो गया था, उसके बाद हम लोग करीब इधर 2-3 किलोमीटर करीब हम लोग पैदल आए, उसके बाद फिर आगे सीढ़ी शुरू हो गया है। ये गेट देखे, और गेट से आप फिर सीढ़ी शुरू हो गया है आगे, तो फिर सीढ़ी जाना पड़ेगा और 2.5 किलोमीटर है और, तो फिर सीढ़ी चढ़ना होगा क्योंकि एक तरफ सीढ़ी ख़त्म करके करीब 3 किलोमीटर आए थे और बाद में फिर अभी सीढ़ी जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग निकले थे आगे की ओर। वो लोग सामने कितना तकलीफ अपने आपको तकलीफ दे के आ रहे हैं भगवान की पूजा के लिए,
भगवान के लिए। और हम लोग का 550 सीढ़ी बाकी है, 2.5 किलोमीटर में 550 सीढ़ी बाकी है। ठीक है, आगे की ओर ऐसा है सीढ़ी, पूरा खड़ा सीढ़ी है और नीचे की ओर ऐसा है। और वो फर्स्ट गेट तो छोड़ के आ गए हैं, सेकंड गेट से फिर आगे की ओर जाना है हम लोगों को। फाइनली आ चुके हैं हम लोग, पहुंच गए और थोड़ा पानी पियेंगे, तो सोच के जरा दुकान पे आए पानी पीने के लिए। वे बाहर का नज़ारा है और अंदर में भी हम आपको दिखाएंगे।